जब आपकी टीम में फैफ डुप्लेसी, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर परफॉर्म ना करें और आपकी टीम फिर भी मैच जीत जाए तो आपको तारीफ करनी होगी विराट कोहली और दिनेश कार्तिक की। यानी दिनेश कार्तिक 2006 से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी 18 साल हो गए हैं DK को मुख्तलिफ टीम्स के लिए फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट खेलते हुए, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हुए। और आप अगर समझ रहे थे कि दिनेश कार्तिक के विकेट पे मौजूद होते हुए RCB 5 ओवर्स में 60 रन नहीं कर पाएगी तो ये आपकी गलत फहमी थी। आज RCB ने जिस जबरदस्त अंदाज से पंजाब किंग्स को शिकस्त दी है, बल्कि जिस जबरदस्त अंदाज से आखिरी 5 ओवर्स में 60 रन चेस किए हैं, भाई वाह भाई वाह। और आपको तारीफ करनी होगी विराट कोहली की, जो बड़े अरसे बाद आज फॉर्म में दिखाई दिए हैं, जो बड़े अरसे बाद आज अच्छे निक में दिखाई दिए हैं। बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके बड़े प्लेयर्स टॉप ऑर्डर के आउट हो जाएं, जैसे फैफ डुप्लेसी ने कुछ ज्यादा रन नहीं किए, कैमरन ग्रीन जल्दी आउट हो गए, ग्लेन मैक्सवेल जल्दी आउट हो गए, ऐसी सूरत हाल में किंग विराट कोहली ने स्टेप अप किया। 77 रन 48 बॉल्स पर विराट कोहली ने स्कोर किए और सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जीतने के करीब ले आए। लेकिन कोहली की विकेट भी तब गिरी जब ऑब्वियसली पंजाब किंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि आखिरी 5 ओवर में 60 रन नहीं बनते। लेकिन क्या बात है दिनेश कार्तिक की, भाई वो प्रेशर में आने वाले नहीं है। आप चाहे उन्हें 2 ओवर में 30 रन करने को दे दें, उनके पास वो स्ट्रोक्स हैं। मतलब आप जो उनकी शॉट्स लगाई हैं वो चेक करें कि कोई भी कन्वेंशनल क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं थी, सब अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग शॉट थी, जिसके लिए ना तो बॉलर एक्सपेक्ट कर रहा था ना ही दूसरी टीम का कप्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। तो दिनेश कार्तिक जो है वो प्रॉपर ऑलराउंडर है, कमेंट्री आप उनसे करवा लें, विकेट कीपिंग उनसे करवा लें और अपनी टीम के लिए मैच खत्म करने हैं तब भी दिनेश कार्तिक हाजिर होंगे। खैर RCB ने शिकस्त दी है पंजाब किंग्स को और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज RCB के बॉलर्स खास तौर पर मोहम्मद सिराज ने दिखाई है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वाइट बॉल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज पंजाब किंग्स की वो बैटिंग लाइनअप जिसमें लेम लिविंगस्टन, सैम करन हो गए, शिखर धवन जैसे प्लेयर हैं, उनके आगे ना सिर्फ बॉलिंग करना बल्कि इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करना, ये चीज़ शो करता है कि क्लास ज़रूर मौजूद है मोहम्मद सिराज के पास। और उसके बाद जब 179 रन का टारगेट लगा था तो सब यही समझ रहे थे कि जो कि गेंद बल्ले पर बहुत आसानी से आ रहा था कि विराट कोहली एंड कंपनी के लिए ये टारगेट मुश्किल हो जाए, ये टारगेट मुश्किल नहीं हो सकेगा। लेकिन क्रेडिट देना होगा बॉलिंग को पंजाब किंग्स की के एक टाइम पर बड़ा जबरदस्त अंदाज से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था RCB की टीम को। जब 3 टॉप ऑर्डर के बड़े खिलाड़ी आप आउट कर दें, किंग्स की तरफ से रबाडा और हरप्रीत बरार ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने बैटिंग को बांध के रखा। लेकिन आखिरी ओवर में आप अर्शदीप सिंह से बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस है अर्शदीप सिंह का और इस IPL में हमने अब तक देखा है कि जो इंडिया के एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं उनकी तरफ से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, चाहे वो नटराजन हो या फिर जिस तरह आज मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है और उमेश यादव ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो वो प्लेयर जो इंडिया की नेशनल टीम के लिए स्टॉलवर्ट्स रहे हैं, आप उनसे बेहतर बैटिंग बॉलिंग की जो है वो तवक्को कर रहे थे। लेकिन भाई विराट कोहली की क्या ही बात है, अगर ये कहा जाए कि विराट कोहली रन चेस के मास्टर हैं तो इस चीज में कोई शक नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ओवर द इयर्स प्रूव किया है कि रन चेज में उनसे बेहतरीन बैट्समैन कोई भी नहीं है। जिस तरह कोहली स्टार्ट लेते हैं, जिस तरह वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और जिस तरह वो कैरी करके लेके जाते हैं सारी टीम को, ये चीज़ शो करती है कि विराट कोहली अहेड ऑफ हिज टाइम है। आज भी मेरे ख्याल में कुछ 100 से ज़्यादा 50+ स्कोर कर लिए हैं विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में। 100 से ज़्यादा 50+ स्कोर का मतलब है कि आपने ज़्यादातर ओकेजन में अपनी टीम के लिए जो है वो हाफ सेंचुरी स्कोर की है। और RCB के लिए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि विराट कोहली जो है वो एक हीरो है RCB के लिए। जिस तरह ओवर द ईयर्स उन्होंने RCB के लिए परफॉर्म किया, इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर से लेकर अब जो है वो ऑब्वियसली प्लैटिनम या आइकन कैटेगरी में खेलते हैं और रन्स करते हैं, तो जहां कोहली की तारीफ बनती है वहीं दिनेश कार्तिक की जो फिनिशिंग एबिलिटीज़ है उसमें तो कोई शक नहीं है। कार्तिक ने पिछले कुछ सालों में RCB के लिए खेला, बाकी IPL की टीम्स के लिए वो परफॉर्म करते आए हैं,
लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि आरसीबी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि विराट कोहली हमेशा से रन्स करते हैं, चाहे होम ग्राउंड हो चाहे अवे कंडीशंस हो, लेकिन आरसीबी के लिए हमेशा विराट कोहली रन्स करते हैं। बट आज कामयाबी मिली है आरसीबी को अगेंस्ट पंजाब किंग्स, लेकिन थोड़ा जरूर परेशान होगी शिखर धवन की पंजाब किंग्स के, इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद, इतनी स्टार पावर होने के बावजूद वो परफॉर्मेंस खास तौर पर बॉलिंग जैसे डिपार्टमेंट में नहीं आई पंजाब किंग्स के लिए।